Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Hapur Lok Sabha seat se navnirvachit sansad Arun Govil aaj alag hi mood mein nazar aaye. Unhone apne aawas par कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से भी मुखातिब हुए। जब उन्हें रावण के ससुराल के बारे में कहा गया तो बात को बीच में काटते हुए अरुण गोविल बोल पड़े, यह पूर्व में रावण की ससुराल थी, लेकिन अब 4 जून के बाद मेरठ राम का घर हो गया है। बात राजपाट संभालने की है तो जब जिम्मेदारी मिलती है तो इंसान में वैचारिक ईमानदारी हो तो सब कुछ होने लगता है। सभी का सहयोग मेरे साथ है। देखिए क्या कहा नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल ने। अरुण गोविल जी, मेरठ कहा जाता है कि रावण की ससुराल है और यहाँ पर आप जीते हैं, क्या कहना चाहते हैं? रावण की ससुराल होती थी, कल शाम से ये राम का घर हो गई है। तो राम कैसे अपना राजपाट यहाँ पर संभालने वाले हैं? और राजा को जरूरत थोड़ी होती है जानने की कि कैसे राजपाट संभाला जाता है। जब राज मिलता है जिम्मेदारियां मिलती हैं और इंसान अगर ईमानदार हो, वैचारिक ईमानदारी हो उसमें, तो अपने आप सब राम जी कृपा करते हैं, फिर सब कुछ होने लगता है। और फिर इतने लोगों का साथ होता है, सहयोग होता है सब कार्यकर्ताओं का, हमारे जो वरिष्ठ हैं जो राजनीति में यहाँ पर, उनका सहयोग है, तो सब अपने आप अच्छा सब काम होता रहेगा। बिल्कुल। जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय तो सभी को जाता है, बेसिकली कलेक्टिव एफर्ट होता है तो उसका श्रेय सबको जाता है। क्या रहने वाला है 5 साल आने वाले मेरठ के लिए? आने वाले 5 साल मेरठ के लिए क्या रहने वाले हैं? आने वाले 5 साल मेरठ के लिए जितना अच्छा था पहले, उससे ज्यादा अच्छा रहने वाले। किसी को क्या कुछ आपने अब कुछ प्लान भी करना पड़ेगा कुछ समय? मैं अपने प्लान आपको क्यों बताऊंगा? बताइए आप, मैं अपने प्लान आपको क्यों बताऊं भाई? मेरी एक स्ट्रैटेजी है, वो मेरे अपने पास रहेगी, मेरे साथियों के पास रहेगी, मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं, पर उसका रिजल्ट जो है वो आपको दिखेगा और जरूर पता लगेगा। बहुत अच्छा। बता सकते हैं आप अपने साथियों के साथ? जनता को बता सकते हैं, मीडिया को नहीं बता सकते, लेकिन जनता को बता सकते हैं? जनता को बताना नहीं होता, जनता को करके दिखाना होता है, वो हम दिखाएंगे। ठीक है, है ना। वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के संयोजक कमल दत्त शर्मा ने कहा कि भगवान राम की कृपा है कि मेरठ में चौथी बार भाजपा का कमल खिला है। मीडिया से वार्ता करते हुए भाजपा लोकसभा सीट संयोजक कमल दत्त शर्मा ने यह कहा कि बहन जी देखिए, चुनाव जब होता है तो चुनौतियां तो उसके अंदर होती ही हैं। हर दल अपना अपना काम करता है और हर एक आदमी अपना अपना प्रयास करता है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही है, भगवान राम की, कि मेरठ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लगातार चौथी बार लहराया गया है। और जहाँ तक ये बात है कि प्रयास करते हैं कि नहीं, प्रयास के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं सबका जनता को जोड़ने के लिए सकारात्मक चीज़ें होनी चाहिए, उसके अंदर बड़ी नकारात्मकता देखी गई दूसरे दलों के द्वारा, जिसके कारण भी जनता में उनके प्रति अविश्वास गया और उसी के कारण से वो सब एक तरफ हुए और हमारे आदरणीय अरुण गोविल जी विजयी। ये क्या कहना चाहेंगे कि ये राम की छवि की जीत है या भाजपा के विकास की जीत है? देखिए बहन जी, जब भी कोई प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल मैदान में उतारता है तो उसकी खुद की भी छवि होती है और भाजपा की तो छवि है ही, भाजपा तो हमारी माँ है, तो उसके बाद जो है फिर एक साथ मिलकर पूरा बनता है और वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से आप समझिए कि हमारा जो सिंबल है वो आदरणीय अरुण गोविल जी थे। अच्छा, ये क्या बहुत चुनौतीपूर्ण थी? अगर आसपास के जिलों में देखें तो बड़े बड़े दिग्गज पिछड़ गए हैं। हाँ, इस चुनौती को कैसे पार कर? ये भगवान की ऐसी कृपा है, ये कार्यकर्ताओं की लगातार की मेहनत, अलग अलग जो संयोजक बने थे विधानसभाओं के उनकी मेहनत, भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, जिले के दोनों अध्यक्ष हैं, उन सबकी जो लगातार मेहनत थी उसके कारण ये जीत संभव हुई। नहीं देखिए, ऐसा है हमारे यहाँ मेरठ में वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है बहन जी, हमारे यहाँ वोट प्रतिशत जितना पहले था उतना ही हुआ है लगभग। आपको लगता है कि भाजपा को मेरठ में काम करने की जरूरत है? अगर कैंट ना होता तो? देखिए बहन जी, पहले भी क्या है कि पिछले चुनावों में भी लगातार चौथी बार हमने ये जीत का परचम लहराया है। कभी हम यहाँ पर 40-50 हज़ार से जीते हैं तो कभी हम 4,700 से भी जीते हैं, तो कभी 2,32,000 से भी जीते हैं। कई बार क्या होता है कि जो दूसरे दल हैं वो कई बार आमने सामने की जब टक्कर हो जाती है तो उसके लिए कम बढ़ती हो जाती है, लेकिन जनता का विश्वास तो अंततः भाजपा की ओर ही गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।